हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या था, यह हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स, जिसे वर्टेक्स कहा जाता है, वो एज से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरह से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं 2D एरे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक 2D एरे है जिसमें इसका रो और कॉलम वर्टेक्स के हिसाब से लिया जाता है, यानी जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है उतने बाई उतने का हम मैट्रिक्स लेते हैं। तो अगर यहाँ हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है, जैसे इस एग्जाम्पल में, तो हम 5x5 का एक मैट्रिक्स लेते हैं और हर रो एंड हर कॉलम में एक पर्टिकुलर नोड को या वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ नोड्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ हम i में ith पोजीशन पर हर वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हर कॉलम में भी हम हर वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में लिंक है या एज है तो वहां हम 1 लिखेंगे। जैसे अगर हम देखें तो 0 वर्टेक्स किससे किससे कनेक्टेड है, 1 से एंड 4 से। तो यहां हमने 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि 1 से ये कनेक्टेड है एंड साथ ही ये किससे कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। तो ये 1 एंड 1 आ गया। इसी तरीके से वर्टेक्स 1 को देखें तो ये किससे कनेक्टेड है, 0, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0, 2, 3 एंड 4 पर 1 लिख देंगे। अगर कनेक्शन नहीं है, बीच में कोई एज नहीं है, तो वहां हम 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स से कनेक्टेड है। इसी तरीके से अगर वेटेड ग्राफ भी हो तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां हम 1 की जगह उसका हम वेट लिख सकते हैं, वेट लिखकर स्टोर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हर एज का वेट कितना है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट का। इसमें जितने भी वर्टेक्स होते हैं उसको एक लिस्ट में मेंटेन रखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स के की लिंक किसके किसके साथ है। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देखें तो 0 वर्टेक्स किससे किससे कनेक्टेड है, 1 एंड 4 से। तो 0 वर्टेक्स हमारा किससे कनेक्टेड है, 1 एंड 4, इनका एड्रेस रखेंगे। इसी तरीके से वर्टेक्स 1 किससे कनेक्टेड है, 0 से, देन 4 से, देन 2 से एंड देन 3 से। तो ये इंफॉर्मेशन एक लिस्ट के फॉर्म में भी रख सकते हैं और ये सिंगल डाइमेंशनल एरे हो सकता है। तरीके से अगर हम चाहें तो वेटेड ग्राफ के भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, हर एज का हम वेट स्टोर कर सकते हैं। और आज के वीडियो में अगर आपको समझ में आया कि हर एज का रिप्रेजेंटेशन कैसे रखा जा सकता है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच के कनेक्शन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।